अब जो मैं नेक्स्ट जो सेलिब्रिटी बुला रही हूँ, इनको पता नहीं क्यों सारे ड्रामों में बेचारी कैरेक्टर्स मिलते हैं। मासूम तो वो है, ये तो मुझे असल में पता है, लेकिन भाई कभी कोई पटाखा कैरेक्टर किया है कि नहीं असल जिंदगी में? जो इतनी लड़की पटाखा है, आइए उनसे जानते हैं और वो आपको नजर आएंगी ब्राइडल अटायर में। पता नहीं, लड़कियों को छोटी होती हैं तो उनको दुल्हन बनने का बड़ा शौक होता है, मगर वो जब असल में दुल्हन बन जाती है फिर वो कहती है हाय अच्छा हम दोबारा दुल्हन बन रहे हैं। इनसे भी जानते हैं कि अपनी जिंदगी में कितनी दफा ड्रामों में दुल्हन बनी है। आइए वेलकम करते हैं फातिमा अफंदी एज सारा सारा सना सारा ब्राइडल अटायर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल असल जिंदगी में पटाखा। आप मुझे पता है पटाखा है और प्लीज बैठो प्लीज बैठो। हाँ जी, तो तुम्हें तुम्हारा अपनी रियल शादी में क्या लुक था, याद है तुम्हें? लाइक मुझे याद है, मैं से पूछ रही हूँ, निकाह पे तो मैंने बहुत सटल रखा था। अच्छा, बारात जो थी मेरी, बिकॉज मेरी शादी बहुत जल्दी में हुई थी, कोई 8-9 दिन में डिसाइड होने के बाद। जो मेरे बारात था वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, उसके पिक्चर्स मैंने कहीं शेयर नहीं की। चलो तुम यहाँ फोटोशूट हम करवा देंगे तुम्हारा। और जो हमारा वलीमा था, बेसिकली हमने वलीमा थोड़ा ग्रैंड रखा था, वो जो जैसे शलीमा टाइप बारात वॉज वेरी शलीमा। अब जो शलीमा आ गया उस वक्त था कि बारात वलीमा, तो उसका जो लुक था वो मुझे अच्छा लगा था। वो मैंने थोड़ा डिफरेंट ट्राई किया था अपना, वो क्योंकि मैंने देखा है फातिमा जब कोई और मेकअप नहीं की होती तो उसके ऊपर रेड लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती है। मुझे बहुत पसंद है वाइब्रेंट कलर्स, जैसा आपने आज लगाया हुआ है पटाखा। हाँ, मुझे ऐसे कलर्स बहुत पसंद है, रेड मरून और ये जो वाइब्रेंट पिंक होता है। इनका जब हम मेकअप कर रहे थे तो हम डिस्कस किया था, बिकॉज मुझे लगता है फातिमा के माशाल्लाह से बहुत सॉफ्ट फीचर्स हैं, और सिंस वो रेड जो है वो लिप कैरी करती रहती है, तो मुझे लगा जब हम आईज पे थोड़ा फोकस करें, कॉन्टोर पे फोकस करें, तो लेट्स गो फॉर यू नो सटल सॉफ्ट लिप्स, ताकि हम थोड़ा सा एक चेंज लुक दें। वैसे भी जो रेड लिप कलर्स हैं वो जो नॉर्मल लाइट कलर के ड्रेसेस है जैसे इनका, उस पे ज्यादा अच्छा लगता है। एग्जैक्टली, जो रेड कपड़े होते हैं उसके ऊपर रेड कम ही सूट करता है। और आजकल ट्रेंडिंग ये है कि आजकल लड़कियां भी सॉफ्ट कलर मांग रही हैं, एंड आई एम श्योर कि बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है ब्राइड, अगर आप जरूरी है कि आप रेड अच्छा लगता है, बट लाइक टू बी डिफरेंट आप थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई कर सकते हो। आजकल आपके ज्वेलरी, आपके ड्रेस ऑलरेडी सब चीजें बहुत हैवी होती हैं, तो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाता है। फिर ये होता है कि आप यंग लगने का भी वो एक प्रेशर होता है ना, जब आप बहुत ज्यादा तैयार हो जाते हो तो वो लड़के से बड़ी लड़की वाले हो जाते हैं। एग्जैक्टली।